वो तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने कहा ठीक है और वो चला गया। रास्ते में जाते जाते वो यही सोच रहा था, इनको अगर मुझे मेरा मन शांत करना था तो आज ही क्यों नहीं किया, कल के लिए क्यों रखा। फिर आज वो ही मेरे विचार चलेंगे, मैं पूरा दिन बस वही बात करता रहूंगा और फिर मैं भी फिर परेशान हो जाऊंगा, अब मैं करूं क्या। उसी रात फिर भी राजा को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा मैं क्या करूं कैसे करूं, उसने तो कहा है अपना मन ले आओ, लेकिन मन मैंने रखा कहाँ है, वो कहाँ पर रखा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब वो पूरी रात सो नहीं पाया। दूसरे दिन जब वो उठा और वो संत के पास गया तो संत जी समाधि में बैठे हुए थे और उसके पास एक बड़ा डंडा भी रखा हुआ था। राजन देखकर थोड़ा घबराया, पर गया, आज तो उसको मन को शांत करना था। वो जाकर संत के पास बैठ गया। संत जी ने कहा आओ महाराजा बैठिए यहाँ पर, थोड़ी देर शांति से बैठिए। और फिर उसको पूछा कि आप अपना मन साथ में लाए हो। कहा संत जी यही बात से यही विचार से तो मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है मन है कहाँ, मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से खरीद के लाऊं। संत ने कहा थोड़ी देर अब मेरे साथ आप शांति से बैठिए और उसको ढूंढिए। वो बैठ गया शांति से, फिर भी उसका मन चल रहा है चल रहा है चल रहा है। आखिर उसे समझ में आ गया और उसने कहा संत जी अब मुझे समझ में आ गया, मन तो कुछ है नहीं, मन तो हमारे अंदर ही है, वो करता क्या है। संत ने पूछा वो तो सिर्फ चलता ही रहता है, विचार ही करता रहता है। तो संत जी ने कहा ये सही है, आज अपने अपने मन को सही पहचाना और उसमें जो विचार चल रहे हैं अब आज से आप उन विचारों पर विचार करना, उन पे ध्यान देना, वो कौन से विचार करते हैं। तो आपको समझ में आया ये मन एक इतनी पावरफुल फैकल्टी है हमारे जीवन की, वो क्या करती है पूरा दिन आप देखोगे कि मन पूरा दिन चलता ही रहता है, बस उसको तो और कोई काम होता ही नहीं है। मन को हम कहते हैं मन सोच विचार करता है, लेकिन वो एक प्रकार के नहीं करता है, उसमें बहुत सारे विचार आते हैं। अब देखिए मन को हमने एक गोरे की तरह उसको कंपेयर किया है। एक गोरा होता है, उसको आप अच्छी तरह उसको देखिए, वो घोड़ा पूरा दिन अपना हाथ पांव पूंछ हिलाता ही रहता है हिलाता ही रहता है। हमारा मन भी ऐसे ही है, अगर हमारे पास कुछ काम नहीं है वो हिलता ही रहता है भागता ही रहता है इधर उधर। और उस घोड़े को अगर हमने तबेले में भी बंद करके रखा तो आप देखोगे वो वहां भी क्या करता है, तबेले में बंद तो करके रखा हमने लेकिन फिर भी पूंछ हिलाता रहता है पांव हिलाएगा। और इस हम मन को एक छोटे बच्चे की तरह भी मानते हैं। एक छोटा बच्चा कितना चंचल होता है, जब वो माँ के साथ बाहर घूमने जाता है और माँ उसको कहती है बच्चे थोड़ी देर आप इधर बैठना मैं आती हूँ मेरे को थोड़ा काम है, तो क्या वही जगह पर आपको बच्चा मिलेगा। वो बच्चा तो कहाँ कहाँ गुम हो जाएगा, खेलता रहेगा भागता रहेगा, वो एक जगह नहीं बैठता है। हमारा मन भी वैसा ही है, मन को आप कितना भी कंट्रोल करना चाहो वो कंट्रोल में नहीं होता है, उसको हम दबा नहीं सकते, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सिर्फ काम ही है चलना। हमारा मन सदैव ही भागता रहता है, वो एक कैमरा की तरह है, कैमरा में कैसे फोटो
हूबहू पिक्चर उसमें आ जाती है। तो मेरे मन में भी जो विचार होते हैं वो भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, अब उसको हम कंट्रोल कैसे करें? मैंने कहा आपको इनको कंट्रोल नहीं करना होता है, लेकिन इसको हमें क्या करना होता है, नियंत्रण मीन्स उसको चैनलाइज करना होता है। कहां वो भाग रहा है उधर से उसको उठाकर फिर वापस जगह पर लाना पड़ता है, और अगर उसमें कोई निगेटिविटी बातें भी आती है तो उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। इस मन को मुझे अच्छी तरह जानना होगा, पहचानना होगा और उसपे मुझे रोज प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम देखेंगे आज से कि हमारे मन में कितने प्रकार के विचार आते हैं, क्या उसमें कौन से प्रकार के आते हैं और कौन से मैं उनको अलाउ करती हूँ, या उससे मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, वो मुझे जांचना होगा और मुझे उस पे ध्यान देना होगा। इस मन को हमने अगर कंट्रोल कर दिया, क्योंकि हमारे दुख और सुख का कारण भी ये मन ही है जो पूरा दिन भटकता रहता है और कहां कहां से क्या क्या लेकर आ जाता है जो मुझे खुद भी नहीं मालूम है। आप देखोगे ये मन कैसा है कि आपको 15 साल पीछे भी ले जाता है तो 15 साल आगे भी ले जा सकता है। 15 साल पीछे कैसे कि अब 15 साल पहले अगर किसी ने मुझे कुछ कहा हो वो मुझे आज भी याद है, आज भी मैं नहीं भूली हूँ। इसलिए अब पुरानी बातों को याद करते करते भी मेरा मन क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है और मुझे दुखी और भारी हो जाता है। और ये मुझे 15 साल आगे भी ले जाता है। आगे कैसे? हम तो बड़ी प्लानिंग करेंगे कि हम कल ये करेंगे, कल बंगला बनाएंगे, कल ये करेंगे वो करेंगे, कितने सारी हम अपनी ये प्लानिंग करते रहते हैं, 15 साल आगे भी चला जाता है। मन इतना तो स्ट्रांग है, ये फैकल्टी हमारे जीवन में बहुत बड़ी है, इसलिए हमें बहुत इसकी संभाल करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। सपोज भाइयों को कहिए कि आप घर में बैठे बैठे चले अपने ऑफिस में, या हमारा लोनावालों में कोई बंगलो भी हो, तो यहाँ हम घर में बैठे बैठे भी उस बंगलो तक पहुंच सकते हैं। आप अभी की अभी प्रैक्टिस करके देखिए, आपका मन बिल्कुल सामने आपको वो बंगलो की पिक्चर दिखाई देगी, वो बंगलो कहाँ पर है, हमने उसमें कौन से कलर के सोफा रखे हैं, कौन से कलर के पर्दे हैं, कोई चीज हमने कमरे में कहाँ रखी है, उसका टेबल कहाँ है, कहाँ लाइट रखी है, उस टेबल में हमने कौन से पेपर रखे हैं, मैगजीन रखे हैं। घर बैठे बैठे आप अच्छी तरह ये सारी चीजें क्लियर जेरॉक्स की तरह, एक्सरे की तरह, कैमरा की तरह हूबहू सब कुछ दिखाई देता है। ये मन हमारा इतना स्ट्रांग है। इतना ही नहीं, अब आ जाइए बहनों के पास। हम बहनों को कहते हैं कि आप तो यहाँ बैठे हो, चलो हम आपके बैंक के लॉकर में चले। अभी लॉकर में तो दो चाबी होती है, एक चाबी से नहीं खुलता है, एक हमारे पास होती है, एक बैंकर वाले के पास होती है। फिर भी हम बहनों को कहते हैं कि अपने घर में अभी का अभी बैठे बैठे आप अपने अपने लॉकर में पहुंच जाइए। पहुंच गए? आप सही प्रकार से हूबहू देख सकते हैं कि हमारा लॉकर, देखो बैंक के लॉकर में बहुत सारे लॉकर होते हैं, एक नहीं होता है, नीचे ऊपर कहीं लॉकर्स होते हैं, छोटे बड़े भी होते हैं। अभी का अभी आप देख सकते हो कि मेरे लॉकर का नंबर कौन सा है, वो बीच में है, राइट में है, साइड में है, ऊपर है, नीचे है, एक एक चीज मुझे बड़ों पर क्लियर दिखाई देगी यहाँ बैठे बैठे। और फिर उसमें हमने क्या क्या रखा है लॉकर में, कौन सी ज्वेलरी रखी है, उसको क्या हमने रुमाल में बांध के रखा है,
या हमने कोई अच्छी ज्वेलरी बॉक्स में रखा है या कुछ और भी चीजें रखी है, वो भी आपको यहाँ बैठे बैठे दिख रही है। दिख रही है कि नहीं? तो ये मेरा मन क्या क्या नहीं कर सकता है, वो बहुत बड़ी अच्छी कमाल कर सकता है। तो ये मन को हमें साच के रखना होगा, उसके सवारना होगा, उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना है। ये हमारे जीवन की फैकल्टी है, इतनी बड़ी कीमती है जो आपको करोड़ों रुपए से भी नहीं मिल सकती। तो ये मेरा मन ही है जो मुझे दुखी कर रहा है या सुखी कर रहा है, ये सारी चीजें मन में ही पैदा और उत्पन्न होती है, और उसको उत्पन्न करने वाली भी मैं खुद ही हूँ, दूसरे कोई मुझे नहीं दे रहे। मैं आपके मन को कहूँ चल ये कर ये सुन, तो वो नहीं सुनेगा, वो आपकी अपनी ही बात सुनता है। तो ये मन की फैकल्टी है, आत्मा की फैकल्टी है, जो 24 घंटे में आपको मालूम रहे, एक मिनट में हम 30 और 35 विचार कर सकते हैं। आप बताइए कि 24 घंटे में इस मन में कितने विचार चलते होंगे, और अगर इतने सारे विचार चलेंगे तो फिर मेरा मन क्या उसमें से इकट्ठा करेगा, दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? ये सारा मेरे अपने ही मन पे आधार है। तो आपने डिटेल में समझा कि ये मन क्या है और क्या करता है, कहाँ रहता है, कितने विचार करता है। तो इन विचारों पर मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी ही मेरे जीवन में जो हम सुख और शांति चाहते हैं वो हमारे पास आ जाएगी। तो कल दूसरी फैकल्टी है उसकी बुद्धि। तो बुद्धि क्या करती है, बुद्धि का क्या कार्य है, वो मन की तरह हम कल डिटेल में सुनेंगे। तब तक आज से कल तक आप उस पर करना सोच और विचार, और करना कल के एपिसोड का इंतजार। चलो हम फिर से अपने मन को बिल्कुल शांत करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल अपने मन को कंट्रोल करेंगे और उसे शांति देनी है। सबसे पहले जैसे हम रोज कहते हैं कि अपने मन को हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं मन को इन आवाजों से दूर ले चलते हैं। मन को हम ले चलते हैं आसपास के आवाजों से दूर। मेरे आसपास संपूर्ण शांत, मेरे कर्म इंद्रियों में भी कोई हलचल नहीं है। बस जरूरत है अपने मन को एकाग्र करना। आइए अपने मन को एकाग्र कर लें। आज मुझे मालूम पड़ा कि मन और कुछ नहीं है, एक सोच विचार करने की क्रिया है। परी महत्वपूर्ण है।
से ही मेरा जीवन सुखमय बन सकता है। आज से हम इसका पूरा ध्यान रखें। चलो हम देखें, उसने पहले से ही अपनी पुरानी बातें पढ़ी, साल जिस किसी ने भी मुझे कुछ कहा, वो व्यक्ति तो भूल गया और मजे से अपने कमरे में एसी बैठ कर सो रहा, आराम कर रहा है। लेकिन वही बात को लेकर मैं आज भी शांति की, चैन की सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। वो बातें मुझे बार बार याद आती है और मन मेरा दुखी होता रहता है और इसका असर मेरे चेहरे पर, मेरे जीवन में, मेरे रिश्तों में, मेरे व्यवहार में, इसकी वृद्धि पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसकी वजह से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा दिन बेचैनी होती रहती है। इस परेशानी और बेचैनी से ना हम अच्छी तरह गोचर कर पा रहे हैं, ना किसी से अच्छी बात कर पा रहे हैं। कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा है और इसका असर मेरे तन पर भी पड़ रहा है। मन का गहरा असर हमारी तन पर होता है, इसलिए तन भी हमको साथ नहीं देता है। इसकी वजह से हमारी नसें सूज जाती हैं और अगर नसें बिगड़ गई तो तन की पूरी बॉडी को ही दर्द महसूस कराती है। Mm-hmm.
मन है, इस मन पर मेरे को पूरा पूरा ध्यान देना होगा। आप सोचिए, अगर एक विचार मुझे इतना परेशान कर रहा है कि 24 घंटे में ये मन इतने सारे विचार करता है, तो रात में भी सोता है, हमारा शरीर से स्तर पर होता है, लेकिन फिर भी हमारा मन लंदन, अमेरिका, किसी शॉपिंग मॉल में, जहां भी हमारा मन चाहे वहां चला जाता है। इसलिए जब रात की नींद के बाद भी फ्रेश नहीं हो पाते, शरीर को सिर्फ रेस्ट नहीं चाहिए, हमारे मन को रेस्ट चाहिए। उसको रेस्ट देने के लिए कुछ भी मन में जो विचार उठ रहे हैं हर पल हर समय कड़ी नजर रखनी है। वो चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुख दे रही है, मुझे परेशान कर रही है, उसको मैं अंदर न आने दूं। बस थोड़ा ही ध्यान देते ही आप महसूस करोगे धीरे धीरे हमारे जीवन में सुख शांति की लहर आ गई है। और जब मन खुश होता है, खुशी खुशी से दिन में 100 काम कर लेता है, हमारा शरीर भी नहीं थकता है। अगर मन खुश है तो हमारा तन भी तंदुरुस्त रहता है। इसकी आप प्रैक्टिस करके देखिए, खुद ही पाएंगे ये बात कितनी न सच्ची और सही है। आज से प्रण करते हैं हम मन को अच्छे अच्छे विचारों से सजाएंगे, एक फूलदानी की तरह अच्छे अच्छे विचार ही उसमें संवारेंगे और अपना जीवन खुशबूदार फूलों के साथ सजाएंगे। और अपने जीवन में खुद तो खुश रहेंगे, अपने परिवार को भी खुश रखेंगे और सारे संसार में फूलों की खुशबू भी फैलाएंगे और संसार सारा खुशबूदार खुशहाल सारे संसार के लिए है। तो हम क्यों ना आज से ही उसकी शुरुआत करें, इस मन को बिल्कुल कंट्रोल में रखें और अपने मन को शांत करें।
किसी का कोई सवाल हो तो पूछे, वरना हम सेशन एंड करेंगे और कल फिर टाइम पर हम अपना सेशन शुरू करेंगे। किसी का कोई सवाल है? ओम शांति।
कल फिर टाइम पर शुरू करें।